प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए कि ये 10 क्वेश्चन है आपको और ये मल्टीप्लाई आपको करनी है, तो कितने समय में आप ये मल्टीप्लाई इन 10 क्वेश्चंस की जो 10 प्रॉब्लम्स है इनकी जो मल्टीप्लाई है आप कर देंगे? तो इसके बारे में पहली तो बात है कि आपको सोचना पड़ेगा कि कितना समय लग सकता है। दूसरी बात, ये आपके लिए अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कितना समय आपको लग सकता है। इसमें 5 मिनट लग सकते हैं आपके, 7 मिनट लग सकते हैं, या 10 मिनट लग सकते हैं, या 20 मिनट लग सकते हैं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन आज हम जिस उत्तर के बारे में बात कर रहे हैं, उस उत्तर का प्रयोग करके वैदिक गणित की सहायता से आप ये जो कैलकुलेशन है, इन 10 के 10 प्रॉब्लम को, इन 10 के 10 क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर ही इनको सोल्व कर सकते हो। तो वैदिक गणित से आपकी जो कैलकुलेशन है 10 से 15 गुना फास्ट हो जाती है, आपकी जो कैलकुलेशन है बेहद फास्ट हो जाती है। तो आइए एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर देखते हैं कि कितना समय इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमें लगेगा। तो प्यारे बच्चों, एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज करो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे हमें 17 की और 13 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो हम जो हमारा ट्रेडिशनल वे है उससे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 3 7 21, 1 2 3 1 3 और 2 5, और यहां से इसी तरह से 7 और 1, तो ये 1 12 2 और ये 221, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ट्रेडिशनल तरीके से हम इसको इस तरह से करते हैं। अब हम एकादिके पूर्वेण सूत्र की सहायता से जो दो संख्याओं है उनकी गुणा, या फिर हम इसको इंग्लिश में कहें तो मल्टीप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं उसको देखते हैं। इसके लिए दो स्टेप है, और अगर हम स्टेप की बात करें तो इसकी जो गुणा है, मान लो हमें 17 की और 13 की गुणा करनी है, तो इसके लिए हमारे पास दो स्टेप है। स्टेप 1, जिसमें हमें क्या करना है, जो इकाई का अंक है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, उनकी गुणा करते हैं। 7 की और 3 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से जो स्टेप 2 है, दूसरा स्टेप है जो हमारे पास होगा, उसमें आपको क्या करना है, जो 10th प्लेस पे जो दहाई का अंक है उसकी गुना करनी है आपको। दहाई का अंक क्या है, दोनों ही जगह पे 1 है, इसकी गुना करनी है इसके एकाधिकेन से, इसके एक अधिक से। तो एक का इससे अगले संख्या क्या होगी, 2 होगी ना, तो 2 के साथ, तो ये 2 बन गया। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो यहां से पहले हम क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे और इसके सॉरी 21 लिख देंगे और इसके आगे ये 2 लगा देंगे, तो 221 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। एक और समझते हैं, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अब की बार हम क्या कर लेते हैं, जैसे अगर हम ले लें 24 और 26, अब देखो बिल्कुल फास्ट करते हैं, इसकी गुना में करनी है, तो यूनिट प्लेस पे इकाई का 6 और 4 है, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24। अब इसके बाद यहां पे इसको अगर हम देखें तो 2 है, 2 की गुना करनी है इसके एकाधिकेन के साथ, 2 से अगला क्या होगा, 3, तो 2 की 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, तो 624 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास। ठीक इसी तरह से अगर आपको 39 की और 31 की करनी पड़ जाए, तो आपका पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपका कि इकाई का जो अंक है यूनिट प्लेस पे है इनकी गुना करेंगे, तो 9 एकम 9 आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके लिए 2 डिजिट छोड़ने हैं, तो आगे 0 लगा लेंगे। ये आपके 2, यहां पे देखो 2 डिजिट थे, यहां पे भी 2 डिजिट थे, यहां 9 आया, 9 के 1 के साथ के, तो सिर्फ 9 आया, तो 2 डिजिट आपको इसके लिए छोड़ने हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद 3 है, यहां पे भी 3 है, तो इसका जो एकाधिकेन होगा, इसका अगला होगा जो 4 होगा, तो 3 की 4 के साथ गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 1209 इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो कितना इजी वे है, कितना इजी मेथड है, इसकी सहायता से आप ये सारी कैलकुलेशन 10 सेकंड से कम समय में कर सकते हैं। अब आप देखें कि 2 की और 8 की करेंगे तो 16, और 1 की इससे आगे 2 आएगा तो 2 आ जाएगा, 3 की और 7 के साथ करेंगे तो 21, और 2 ये 2 है तो 2 से अगला 3 है, तो 2 की 3 के साथ करेंगे 6, 4 की और 6 की 24, और 3 की उससे अगले के साथ 4 के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा,
यहाँ पे 9 की 1 के साथ 9 लेकिन ध्यान रखेंगे 0 लगाएंगे, और 4 की इससे अगले के साथ 5, तो ये 4 की और 5 की करेंगे तो 4 पंजे 20 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से 2 की और 8 की करेंगे तो 16 आ गया, 5 की इससे अगले के साथ 6 के साथ 30 हो जाएगा हमारे पास। ठीक इसी तरह से अगर हम इनको देखें, यहाँ पे 4 की और 6 के साथ करेंगे तो 24 हो जाएगा, 6 की इससे अगले के साथ 7, 6 की और 7 की 42 आ जाएगा, 5 की 5 के साथ करेंगे 25 आ जाएगा, 7 की इससे अगले के साथ करेंगे 56 आ जाएगा, 3 की और 7 के साथ करेंगे तो 21 आ जाएगा, 8 की इससे अगले के यानी कि 9 के साथ करेंगे 72 आ जाएगा, 9 की 1 के साथ करेंगे तो 9 तो 09 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट हमें यूज करने हैं इसके लिए, और 9 की इससे अगले यानी कि 10 के साथ करेंगे तो 90 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 की और 2 की करेंगे तो हमारे पास ये 16 आ जाएगा, और देखो यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, 10 की इससे अगला 11, 10 की और 11 के की करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 110, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आप देखो प्यारे बच्चों कि ये जो सारे की सारी प्रॉब्लम थी 10 की 10 प्रॉब्लम है, आप इनको 10 सेकंड से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इनको 10 सेकंड से भी कम समय में सारी की सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो एकाधिक इन पूर्वेन सूत्र का प्रयोग करके जो कैलकुलेशन है आपकी वो कितनी ज्यादा फास्ट हो जाती है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको जब ये सूत्र अप्लाई करो गुना में तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। तो अगर हम नोट की बात करें तो दो बातों का आपको ध्यान रखना है, नोट करेंगे, एक तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम गुना कर रहे हैं इकाई पे इकाई के अंक पे जो भी हमारे पास डिजिट है, यहां पे ये 17 था तो इकाई के अंक पे जो भी डिजिट है जिनकी हम गुना कर रहे हैं उन दोनों डिजिट का जो सम है उनका जो जोड़ है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। पहली तो बात ये है जब हम ये सूत्र अप्लाई कर रहे हैं तो उनका इकाई के जो अंक है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनका जो सम है वो 10 होना चाहिए। देखो 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10, 9 और 1 10, 2 और 8 10, 4 और 6 10, 5 और 5 10, 3 और 7 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10। एक बात, दूसरी बात जो बेस है, अब देखो ये हमारे पास टेंस प्लेस पे सेम है दोनों, यहां पे भी टेंस प्लेस पे सेम है, यहां पे भी टेंस प्लेस पे सेम है, यहां पे भी, तो यहां पे जो आपका बेस है या मल्टीपल ऑफ बेस है इसको बोलते हैं बेस या फिर मल्टीपल ऑफ बेस 10, ये हमारा बेस 10 है तो ये बेस 10 के मल्टीपल है 20, 30, 40, तो जो बेस है आपका बेस मस्ट बी सेम, जो बेस है आपका वो सेम होना चाहिए। देखो यहां पे बेस 10 मल्टीपल आ गया 20 दोनों में, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, तो इससे क्या है बेस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो सेम होना चाहिए। इसका कारण क्या है, देखो अगर सेम नहीं हुआ तो देखो यहां पे जैसे बेस हमारे पास ये 7 है दोनों जगह पे, मान लो एक जगह पे 7 हो और एक जगह पे 8 हो तो हम कौन सा लेंगे और उससे अगला हम क्या लेंगे ये हमें सोचना पड़ेगा। अब आप चाहे 7 यहां ये वाला सोच ले या ये वाला सोच ले, तो आपको 7 है तो इसका एकाधिक होगा 8, तो 7 की 8 के साथ करेंगे तो 56 बनेगा, तो यहाँ पे ये 56 लिखा ही हुआ है। तो इस तरह से 8 है दोनों जगह पे तो 8 की 9 के साथ करनी है, 9 है तो 10 के साथ करनी है, 6 है तो 6 की 7 के साथ करनी है, तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्यारे बच्चों ये हुआ कि किस तरह से हम एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का प्रयोग करके दो संख्याओं की गुना बेहद फास्ट तरीके से कर सकते हैं। आपको इन दो बातों का ध्यान रखनी है कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम 10 होना चाहिए और उनका जो बेस है या मल्टीपल ऑफ बेस है वो सेम होना चाहिए, तो इससे जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी बेहद फास्ट होगी। जो बाकी कैलकुलेशन है वो भी बहुत फास्ट होगी, वो दूसरे सूत्र की सहायता से हम करेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र की। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।